गुजरात में वडोदरा से 85 किलोमीटर दूर जम्बूसर तहसील के कावी कंबोई गांव के पास समुद्र तट पर स्थित है स्तंभेश्वर मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है कि ये रात को ओझल हो जाता है और सुबह अपने उसी स्थान पर वापस आ जाता है। समुद्री ज्वार भाटे के कारण ये शिवालय नियमित रूप से कुछ पलों के लिए जलमग्न हो जाता है। असल में मंदिर खंबात की खाड़ी के तीर स्थित है। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर तक आ जाता है। ये घटना हर रोज सुबह और शाम को घटित होती है, इसलिए पूर्णिमा की रात ज्वार के पूरा चढ़ने पर मंदिर तक कोई नहीं पहुंच सकता है। स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं के मुताबिक स्तंभेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान नीलकंठेश्वर का जलाभिषेक करने के लिए स्वयं समुद्र देवता पधारते हैं। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस समय वहां किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से पर्चे बांटे जाते हैं, जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है, ताकि उस वक्त मंदिर में कोई प्रवेश ना करे। मंदिर दिन में और सुबह शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। वैसे तो इस तीर्थ को 200 साल पहले ही खोजा गया है, लेकिन इसका उल्लेख श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता के दूसरे भाग के 11वें अध्याय में मिलता है, जो इस शिव धाम के अति प्राचीन होने का प्रमाण है। स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण के संबंध में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। कथा के अनुसार असुराधिपति ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भोले शिव को प्रसन्न किया था। तब शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसने वरदान मांगा कि उसे कोई न मार सके। इस पर शिव ने कहा कि यह तो असंभव है। इस पर असुर ने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है, वो भी 6 दिन की आयु का। त्रिकालक के शिव ने उसे यह वरदान सहर्ष दे दिया। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवता गण और बाकी ऋषि मुनि आतंक से त्रस्त होकर महादेव की शरण में पहुंचे। तब शिव शक्ति ने श्वेत पर्वत के कुंड में कार्तिकेय को उत्पन्न किया, जिसके 6 मस्तिष्क, 4 आंख और 12 हाथ थे। इन्हीं कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की उम्र में ही ताड़कासुर का वध किया। बाद में कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वे काफी दुखी हुए। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि ताड़कासुर के वक्ष स्थल पर शिवालय बनवा दें। सभी देवताओं ने मिलकर महीसागर में विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की। पश्चिम भाग में स्थापित स्तंभ में भगवान शंकर स्वयं आकर विराजमान हुए। तब से ही इस तीर्थ को स्तंभेश्वर कहते हैं। यहाँ पर महीसागर नदी का सागर से संगम होता है। स्तंभेश्वर मंदिर के शिवलिंग का आकार काफी विशाल है। लिंग का व्यास 2 फुट और ऊंचाई 4 फुट है। मंदिर के पीछे से अरब सागर का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। amarujala.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।